आपकी राशि आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव डालती है। राशि फल के द्वारा भविष्य जीवन में होने वाली घटनाओं का आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आज हम आपको जुलाई महीने का राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस मासिक राशिफल में आप अपनी राशि के अनुसार जान सकेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जुलाई महीना आपके प्यार, करियर तथा सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है। इस मासिक राशिफल में आपको आपके जीवन में होने वाली एक महीने की घटनाओं का संक्षेप में यानी कि विस्तार से वर्णन मिलेगा। मेष राशि, इस महीने आर्थिक कश्मकश में व खींचतान बनी रहेगी। जो बाधाएं कार्य क्षेत्र में आ रही थी वो अब दूर होंगी और परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। आपका अपने पुराने मित्रों का मिलन हो सकता है। उन मित्रों के साथ आप कहीं लंबी यात्रा के लिए जा सकते हैं, इसलिए आपको कोई परेशान होने की चिंता नहीं है। आपका व्यवहार ही आपको मान सम्मान दिलाएगा। व्यापार में प्रतियोगिता बढ़ेगी। कुछ छोटे मोटे विवादों को छोड़ दें तो आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होगा। बिजनेस में अच्छा समय चलने के कारण आपको नई खुशखबरी भी मिल सकती है। वृषभ राशि, ये महीना आपके लिए कई रूपों में अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य में मधुर माहौल मिल सकता है। किसी मित्र को उधार में दी हुई राशि प्राप्त हो सकती है। लोग आपके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी, जिसमें आप परिवार सहित किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी मुद्दे पर भाई बहनों से विवाद संभव है। आमदनी खर्चों के मुकाबले कम रहेगी। आप गलत संगति से बचने की कोशिश करें। ऑफिस में कोई आपको आकर्षित कर सकता है और आप भी उसकी तरफ खींच सकते हैं। अगर आप अपने काम पर ध्यान दें तो आपको कामयाबी और प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, इस महीने आपको आर्थिक मामलों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इस दौरान कुछ छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं। निजी और पेशेवर दोनों ही स्तर पर आपके सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ आप खूब मस्ती करेंगे। व्यापारियों को नए ग्राहक मिलने की संभावना है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आने का शुभ योग है। वाणी की मधुरता से अन्य लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और साथ ही साथ उनके संबंधों में संवादिता रख पाएंगे। अपने बोलचाल से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करें। कर्क राशि, इस महीने आपके कारोबार के विस्तार में भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा मानसिक दबाव और थकान परेशानी की वजह बन सकता है। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। संबंधी आपके उदार स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप चौकन्ने रहें, नहीं तो बाद में आप थका हुआ महसूस करेंगे। समय बर्बाद करने से बचें और कोई बढ़िया काम करें। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। कोई उपलब्धि आपके खाते में जुड़ सकती है। अकस्मात ही ढेर सारा आपको धन मिलने के योग हैं। सिंह राशि, इस महीने आपके मन में बहुत ही विचित्र और अनावश्यक किस्म की चिंताएं बनी रहेंगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनेगी। कारोबार व व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने आप को प्रसन्न बनाए रखना होगा। आपकी जरूरत से ज्यादा भावुकता के कारण आपको लोगों के साथ संबंधों में अपनत्व की कमी महसूस होगी। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती जाएगी। कभी किसी छोटे मोटे बदलाव से चिंतित ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऐसे आर्थिक संकटों से तुरंत छुटकारा पा लेंगे। कन्या राशि, परिवार जनों के साथ गलत फहमी की वजह से जो मनमुटाव चल रहा है
वो इस महीने दूर हो जाएगा। दूसरों के मामलों में दखल देने से आपको बचना होगा। महीना आपके लिए सामान्य रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, लेकिन पैसे की लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। इस महीने भागदौड़ भी बनी रहेगी। अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग के चलते आप पूरे महीने नए आत्मविश्वास और रोमांच से भरपूर रहेंगे। अच्छी वार्ता की बदौलत आप किसी संपत्ति की खरीद में मोल जोल का फायदा ले सकते हैं। थोड़ा मानसिक दबाव और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तुला राशि, ये महीना आपको नए लाभदायक अवसर प्रदान करेगा। सहयोग और सौभाग्यता के साथ में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने मूड में बदलाव महसूस करेंगे और इसी कारण काम में भी आपका मन नहीं लग पाएगा। अपने चिड़चिड़े व्यवहार पर नियंत्रण रखें। उच्च शिक्षा तथा शुद्धादि कार्यों के लिए यात्रा पर जाना हो सकता है। संपत्ति का विस्तार भी होगा। व्यवसाय में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने व्यवहार से परिजनों का दिल जीत लेंगे। परिवार में आपसी तालमेल और सौहार्द की कमी रहेगी। निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा और समृद्धि को भी लेकर आएगा। गलत संगति या नशे की लत से बचें। वृश्चिक राशि, इस महीने आप नवीन विचारों और प्रयोगों को महत्व देंगे। सृजनात्मकता, संवेदनशीलता और प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान के पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। व्यावसायिक लाभ में इजाफा होगा। आध्यात्मिक झुकाव वाला व्यक्ति आपकी बचाव पक्ष में आ सकता है। व्यक्ति आपको मार्गदर्शन भी करेगा। आप उनकी सलाह का पालन कर सकते हैं। अपने व्यवहार की समीक्षा करना जरूरी है। महीने के अंतिम चरण में आप परिवार को अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करेंगे। घर में सदस्यों के साथ उग्र चर्चा या फिर वाद विवाद हो जाने से भी मन में दुख बना रहेगा। धनु राशि, इस महीने आपके कौशल की अत्यधिक सराहना की जाएगी। व्यवसाय के संबंध में यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। विवेकपूर्ण कार्य लाभ देंगे, धन लाभ के आसार बनेंगे। उत्साह से कार्य करने से आपको लाभ होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। किसी को भी उधार देने से बचें। माँ की सेहत में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। रुके हुए कार्य बनेंगे, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नौकरी करने वाले लोगों को खास सलाह है कि वो इस महीने अपने बॉस से न उलझें। मकर राशि, ये महीना आपके लिए खुशी और संतुष्टि भरा रहेगा। अपने व्यस्त कामकाज के कारण ये महीना आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला भी होगा, पर अच्छी बात ये है कि आपके लिए महीने के अंत तक सारी परेशानियों के अंत के साथ साथ आपको धन व पदोन्नति की संभावना प्रबल है। इस महीने आप उन्नति करेंगे, आपका रुतबा और शोहरत दोनों बढ़ेगा। आप इस महीने योगी की भूमिका को स्पष्ट रूप से तय करने में लगे रहेंगे, जो विवादों से बचने में सहायता करेंगे। आजकल जो भी तनाव बढ़ता जा रहा है, आपको उसको सही तरीके व समझ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। कुंभ राशि, ये महीना आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का है। आप काफी लंबे समय से लटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे, जबकि आपके लिए कुछ फैसले अच्छे साबित होंगे और इससे आपका आर्थिक संकट भी काफी हद तक दूर होगा। आप अच्छा सोचें, समय बदलने वाला है। किसी पुराने निवेश से अच्छी आमदनी होने की संभावना है। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को इस महीने जोखिम और जल्दबाजी से बचना चाहिए। बिजनेस करने वाले लोग बड़ा निवेश न करें, वाहन से चोट भी लग सकती है। मीन राशि, ये महीना बुरी आदतें छोड़ने के लिए एकदम सही है। भागीदार से आपको लाभ होगा।
इस महीने रहन सहन कष्टदायी रहेगा, खर्च आपके अधिक रहेंगे। ईश्वर का नाम स्मरण और आध्यात्मिकता आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। नकारात्मक विचारों से आपका मन विचलित हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं और हर स्थिति में विनम्र बने रहें। मित्रों तथा स्नेहजनों के साथ घूमना फिरना आनंदप्रद हो सकता है। आपकी वैचारिक प्रखरता पूरे महीने चरम पर रहेगी। इसके अलावा आपकी रचनात्मकता भी बहुत ही कारगर और प्रखर रहेगी। आपकी कुंडली व राशि के ग्रहों के आधार पर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं में कुछ भिन्नता हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए किसी पंडित या फिर ज्योतिषी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।